हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेट यूजिंग रूल मेथड। तो हमें इसको रूल मेथड से लिखना है। तो ए इज इक्वल टू 149 और 9 16 25 6 36 49 64 81 100। तो ये नंबर देखो, आपको जो हर नंबर जो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, पाइपेट स्क्वायर नंबर है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो इसलिए इसको ऐसे लेंगे हम x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब ये जो नंबर है किसी तो भी नंबर का स्क्वायर है। अब यहाँ पे नंबर कौन सा आ सकता है? 1 आ सकता है, 1 का स्क्वायर 1। या कौन सा आ सकता है? 2 आ सकता है, 2 का स्क्वायर 4। या कौन सा आ सकता है? 3 आ सकता है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो वो नंबर कौन से है? तो हम लेंगे अभी n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ठीक है, कैपिटल एन क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन कौन से नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो इसको हम कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कंडीशन? यन लेस देन और इक्वल टू कितना? डिन। देख लो किसमें? कैपिटल एन में। कैपिटल एन मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4। कहाँ से आएंगे? 10 तक आएंगे। अब ये नंबर यहाँ पे आएगा तो 1 स्क्वायर होगा। 1 स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 स्क्वायर क्या होता है? 16। ठीक है, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर तो आपको 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर कितना? 100। तो ये होगा इसका रूल मेथड। ऐसा हमें इसका लिखना है। क्या होगा इसका? बी इज इक्वल टू यक्स सच दैट एक्स। अब देखो ये जो है टेबल दिया आपको, 6 6 12 6 18 6 4 24। ठीक है, तो कैसा करना है इसको? एक्स इक्वल टू क्या लेंगे हम? 6n लेंगे, क्योंकि 6 का टेबल है। अगर 5 का टेबल होता तो क्या लिखते? 5n। अगर आप 4 का होता तो 4 का लिखते, 4n लिखते। ठीक है, यहाँ पे 6 का टेबल है तो 6n लिखा। अब हमें ऐसा बताना है n क्या है। n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल n है, मतलब कि ये जो नंबर है सब नेचुरल नंबर है। अब कौन से नंबर है? तो देखो 6 1 जा 1 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 जा 18। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 6 7 8 तक नंबर है। ठीक है, तो कौन सा आएगा यहाँ पे? लेस देन और इक्वल टू 8, मतलब उसमें नंबर कौन से आएंगे? 1 से लेके 8 आएंगे। देख लो आप, n पहले 1 लेना, 1 लिया तो 6 बनता 6, 2 लिया तो 6 12, 3 लिया तो 18, अब 2 कहाँ तक लेना है आपको? 8 तक लेना है, बस हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो ये सी एक्स जेड एक्स। अब देखो ये जो यस यम आई एल ई है, ये लेटर्स है कौन से वर्ड के? स्माइल के है। स्माइल एक वर्ड जिसके लेटर्स है, तो यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा सी इज इक्वल टू यक्स जेड यक्स इज, यक्स इज लेटर्स, लेटर्स ऑफ द वर्ड क्या आएगा? यस यम आई एल ई। मतलब कि ये जो यहाँ पे लेटर दिए, सेट में दिए, तो वो इस वर्ड के हैं। इसके बाद देखो ये डी इज इक्वल संडे मंडे ट्यूसडे से फ्राइडे सैटरडे तक आपको डेज दिए, वीक की डेज है। तो कैसे लिखेंगे फिर? D इज इक्वल टू x, x सच दैट x इज डे ऑफ डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक। मतलब ये सभी क्या है? वीक के डेज है, बस हो गया। तो इस तरह से आपको रूल मेथड से लिखना है। अब ये लिखना है आपको
देखो यार जगह नहीं, मैं यहाँ लिखता तो क्या होंगे इसके कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, हाँ कैपिटल एक्स तो पी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है पी इज एक्स है ना इसीलिए। तो ए देखो इससे एक वर्ड बनता है, एक वर्ड से बनता है ईट बनता है ए ई टी ई ए टी, ठीक है फिर उसकी लेटर इधर उधर हो गए, क्या आएगा इसका तो पी इज एक्स इज इक्वल टू पी सच दैट पी इज लेटर्स ऑफ किसकी लेटर्स है, कौन सा वर्ड है ये, इसी वर्ड कौन सा होता है ईड बनता, लेटर्स ऑफ द वर्ड इट ई ए टी स्मॉल लिखना, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन ऑफ फाइव जो है सॉल्व करना है, बाकी हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ओके okay?